हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। सो आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। ओके, सो व्हाट इज आर्टिकल? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड विद अ नाउन टू इंडिकेट द टाइप ऑफ रेफरेंस बीइंग मेड बाय द नाउन। सो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक वर्ड है। तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं जो कि है ए, एन एंड द। ओके, सो ये आर्टिकल्स हमारे नाउन के प्रीफिक्स और सफिक्स में लगते हैं। हमारे नाउन के आगे लगते हैं या फिर नाउन के पीछे लगते हैं, लेकिन ये नाउन को इंडिकेट करते हैं, नाउन को बताते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, वहां दो टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं, जो कि है एक इनडेफिनाइट आर्टिकल, वो है ए एंड एन, एंड एक है डेफिनाइट आर्टिकल जो कि है द। ओके, सो अब हम पहले पढ़ेंगे इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में। इनडेफिनाइट आर्टिकल ए, अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ए के बारे में कि ए कहाँ कहाँ लगता है। चेक द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉलोइंग द आर्टिकल। यूज ए व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट, एग्जाम्पल अ बस, अ गर्ल, अ फॉक, अ ड्रेस। तो हमें ए कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए? हमें ए वहां जगहों पे, वो नाउन के पहले ए यूज करना चाहिए जहां पे कौन, जो नाउन कौन से का फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। अब ये कॉन्सोनेंट क्या है, हमने पहले दो पढ़े थे, एक थे कॉन्सोनेंट्स और एक थे वॉवल्स। ओके, वॉवल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ओके, यहाँ पे देखिए वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ओके, एंड वहीं पे कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ये वॉवल्स को छोड़ के 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें ये अल्फाबेट्स को छोड़ के जितने भी बाकी के अल्फाबेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ए तो हमारा आ गया वॉवल में, तो आया फिर उसके बाद ए के बाद बी, देन उसके बाद सी, सी नहीं है वॉवल। ओके, देन डी, देन उसके बाद ई आ गया हमारे वॉवल में, देन उसके बाद ई के बाद क्या आता है, एफ, एंड सो ऑन। ओके, सो ये होता है हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। सो ए हमें वहां पे लिखना चाहिए, वो लेटर से पहले, वो लेटर, वो नाउन से पहले हमें ए लिखना चाहिए जो नाउन किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। ओके, सो अब ए हमें और भी जगहों पे लिखना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ए हमें कॉन्सोनेंट से पहले लिखना चाहिए, जो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, उसे हमें उधर ए लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद यू एंड ई यू, व्हेन दे साउंड लाइक यू, एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनिट। सो इनडेफिनेट ये जो आर्टिकल ए है, हमें वो कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, पहले तो मैंने बताया आपको कॉन्सोनेंट लेटर्स से पहले लिखना चाहिए ए। और अब ये दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि यू या फिर ईयू से पहले हमें ए लिखना चाहिए। अब आप लोग बताएंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यू और ईयू, ये यूनिवर्सिटी का जो यू है, ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है, तो ये तो वॉवल है ए ई आई ओ यू, है ना, लेकिन एंड ये जो यूरोपियन का ई है या ईयू पकड़ लो, ठीक है, तो ये भी एक क्या हुआ, वॉवल हुआ, ठीक है, ये लेटर तो वॉवल है ए ई आई ओ यू, तो वॉवल में है, लेकिन उसके पहले हम लोग ए कैसे लिखे, ठीक है, लेकिन इनका साउंड पे जाएं, साउंड क्या है, यू, यू का साउंड क्या है, वाई ओ यू, ठीक है, वाई ओ यू, तो वाई क्या हुआ यहाँ पे, कॉन्सोनेंट हुआ, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, जो कि यू और ई यू साउंड जब हम लोग बोलते हैं तो वो क्या आता है, यू, ये क्या आया, यूनिवर्सिटी, तो इसके सामने ए आया, ये है यूरोपियन, तो इसके सामने
ए आया, ये है यूनिट, उसके सामने भी ए आया। तो अब दो चीज हमारी क्लियर होगी कि फर्स्ट पॉइंट क्या था। फर्स्ट पॉइंट था कि हमें जो नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो उस पे हमें क्या करना है, ए लगाना है, उसके सामने हमें ए लगाना है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमें उसके नाउन का साउंड को देखना है कि अगर यू या फिर ई यू आया तो उसके सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखेंगे कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, और सेकेंड हम लोग देखेंगे कि उसका साउंड। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल का दूसरा पॉइंट जो कि है एन। ओके, दूसरा आर्टिकल क्या है, एन। ए का तो हमें क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, अब हम एन के बारे में पढ़ेंगे। एन क्या है, यूज एन व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल, वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू। सो हम एन कहां पे यूज करेंगे, वहां पे हम लोग एन यूज करेंगे जिसका नाउन का फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवल हो। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू। ओके, सो एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे, एन एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट में ई का ई लिखा है, फर्स्ट लेटर क्या है नाउन, ई। सो ई क्या आया, वॉवल में आया, सो एन एलिफेंट। एन एप्पल, एप्पल का भी ए वॉवल है। एन ऑरेंज, ऑरेंज का भी ओ वॉवल है। तो ये एक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यूज एन व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ म्यूट एच, फॉर एग्जांपल एन आर एंड ऑनेस्ट, ऑनर। सो अब ये देखिए, हमारा फर्स्ट तो क्लियर हो गया कि हमें जहां पे वॉवल आएगा वहां पे हमें एन यूज करना है। अब नेक्स्ट क्या है कि जहां पे एच साउंड नहीं होगी, जैसे कि हम लोग ये क्या लिखा हुआ है एग्जांपल में, आर। देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है आर, ए एच ओ यू आर। ठीक है, इसको हम हावर नहीं बोलते हैं, इसको हम हावर नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आर। एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, एच का साउंड नहीं होता है, सिर्फ हम बोलते हैं ओ यू आर का साउंड जो कि है आर। तो आर, आर का क्या हुआ साउंड, ए ए आ रहा है ना, सो ए क्या है, ए एक वॉवल है, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन, एन आर। ओके, समझ आया, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्या है, एन ऑनर, ऑनर में क्या है, एच ओ एन ओ यू आर। ठीक है, एच ओ एन ओ आर, सो यहाँ पे क्या हुआ, एच का म्यूट है, वो एच का साउंड म्यूट है, तो हम क्या लिखेंगे, एन आर या फिर ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। तो एच का साउंड यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, एंड यहाँ पे इसके सामने क्या बोलते हैं, एन ऑनेस्ट। ओके, क्लियर है आप सबको। सो अब देखिए, टू टाइप से हमें पता चला, फर्स्ट है कि नाउन से, नाउन का पहला वर्ड क्या होना चाहिए, वॉवल होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि एच का जो साउंड है वो म्यूट होना चाहिए, तो उसके सामने एन लगेगा। ओके, अब इनडेफिनाइट आर्टिकल, यूज इनडेफिनाइट आर्टिकल टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, इनडेफिनाइट आर्टिकल हम तब यूज करते हैं जब हम उसको, एक चीज को हम लोग फर्स्ट टाइम रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Would you like a drink? जैसे कि तुम किसी को पूछ रहे हो कि तुम्हें पानी पीना है क्या, या फिर would you like some drink? तो तुम क्या क्या कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज करोगे जो कि है ए, would you like a drink? ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है I have finally got a job. ओके, या फिर तुम कुछ बता रहे हो फर्स्ट टाइम किसी को कि मुझे जॉब मिल गई है, तो
तो मैं उसको क्या बोलूंगी, आई हैव फाइनली गॉट अ जॉब. ओके, नेक्स्ट क्या है, यूज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स टू नेम द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. ठीक है, हमें इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कहाँ पे यूज करना चाहिए, एक मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप को इंडिकेट करते हुए, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स. ठीक है, तो ये एक ग्रुप है मेंबर का. ठीक है, इसमें अगर मैंने टीचर्स बोला है तो उसमें सारे ही टीचर्स होते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है राहुल इज अ डॉक्टर, तो राहुल क्या है, डॉक्टर है, तो यहाँ पे ए लगा, राहुल इज अ डॉक्टर. राहुल इज द डॉक्टर नहीं लगा, डेफिनाइट आर्टिकल नहीं लगा, इनडेफिनाइट आर्टिकल लगा जो कि है अ. ओके, शी वॉन्ट्स टू बी अ डांसर, डांसर भी एक ग्रुप ऑफ मेंबर है. तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अ डांसर लगा. शी एस्पायर्स टू बिकम एन इंजीनियर, यहाँ पे क्या लगा, एन लगा, एन इंजीनियर. एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ये याद रखना कि पहले तुम्हें क्या देखना है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स तो नहीं है वो. अगर ग्रुप ऑफ मेंबर्स है उससे पहले क्या लगेगा, इंडेफिनेट आर्टिकल ही लगेगा, मतलब कि ए या फिर एन लगेगा. ए हमें पता है कैसे लगेगा, ए हमें कैसे लगेगा, कॉन्सोनेंट. पहले हमें देखना है कि वो फर्स्ट वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है या नहीं, या फिर वो क्या मैंने बताया था अभी, जल्दी से बोलो, या फिर वो यू का साउंड कर रहा है कि नहीं. अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि यहाँ पे अगर ए नहीं है तो एन होगा. एन कैसे होगा, या तो फिर वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर वो क्या, उसका एच वाला जो वर्ड है वो म्यूट हो. ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स जो कि है द. ठीक है, डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट से ही हमें पता चल रहा है कि द क्यों यूज होता है. यूज टू, द इज यूज to indicate a noun that is definite or has been previously specified in the context. For example, please close the door. I like the books you gifted. So the hum kahan pe use karte hain? The hum wo cheezon pe use karte hain jab hum koi particular cheez ko bol rahe hain. Jaise ki please close the door. ये डोर जो, जिस रूम से अभी तुम जा रहे हो, तो जाते वक्त प्लीज क्लोज द डोर, तुम वो ही डोर को क्लोज करो. और मैंने 50 रूम है वो 50 रूम के डोर को क्लोज करने के लिए नहीं बोल रही. ओके, आई, फिर सेकंड एग्जांपल क्या है, आई लाइक द बुक्स यू गिफ्टेड मी. सो जो बुक्स तुमने मुझे गिफ्ट किया है, मुझे वो ही बुक्स अच्छी लगी. वो स्पेसिफाई कर दिया कि उसने मुझे एक बुक दी थी, मुझे वो ही बुक अच्छी लगी है. ओके, सो आई लाइक द बुक यू गिफ्टेड मी. ओके, और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अब एक विंडो, एक एग्जांपल दे रही हूं, वो डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट के बारे में तुम्हें बताएगा. ओके, सो सपोज विंडो के पास एक चेयर रखी है, एंड आई विल से कि जाओ प्लीज, कोई भी एक स्टूडेंट को मैं बोल रही हूं कि प्लीज जाके उस रूम से एक चेयर ले आओ. ओके, विंडो के पास एक चेयर रखी थी, एंड थ्री चेयर्स कहाँ पे रखी थी, ऐसे ही इधर उधर फैली हुई थी रूम में. सो मैं क्या बोलूंगी, प्लीज ब्रिंग द चेयर, प्लीज ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम द, रुको मैं लिखती हूं तो तुम लोगों को अच्छे से पता चलेगा. सपोज देखो मैं लिखूंगी प्लीज ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम दैट रूम. ओके, मैं बोले कि प्लीज ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम दैट रूम, इसका मतलब क्या है, उस रूम से कोई भी चेयर तुम उठा के ले आओ मेरे पास. ओके, लेकिन मैंने कहा प्लीज Please bring the chair that is near that
from that room. Please bring the chair from that room. So, मैंने क्या लिखा है ये दो वर्ड्स दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं प्लीज ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम दैट रूम. मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक रूम में विंडो के पास एक चेयर रखी थी एंड और तीन चेयर्स मैंने इधर उधर रखी थी. तो मैंने एक बच्चे को बोला कि प्लीज ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम दैट रूम. तो इसका मतलब क्या है कि उस रूम में से कोई भी एक चेयर तुम उठा के ले आओ. तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे लगा है ए, ए लगा है यहाँ पे. ओके यहाँ पे ये क्या लगा है, ए लगा है. देन उसके बाद मैंने क्या बोला कि प्लीज ब्रिंग द चेयर. फिर मैंने वो बच्चा ले आया चेयर एंड देन अब मैंने दूसरे बच्चे को बोला प्लीज ब्रिंग द चेयर फ्रॉम दैट रूम दैट इज प्लेस्ड नियर द विंडो. मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को वो ही चेयर चाहिए जो कि विंडो के पास रखी है. वो पूरा मैंने इंडिकेट कर दिया. तो उसका मतलब क्या है कि वो ही पर्टिकुलर चेयर लेके आएगा जो विंडो के पास रखी हुई है. ओके सो यहाँ पे द यूज होगा. ओके सो समझ में आया इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट वर्ड्स कैसे होते हैं. ओके सो ये था इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट का डिफरेंस कि द कहाँ पे यूज होता है एंड ए कहाँ पे यूज होता है. ओके अब और एक है कि यूज द इंडिकेट यूज टू इंडिकेट अ नाउन दैट अ नाउन दैट इज यूनिक. जैसे कि द वहां पे भी यूज होता है जो कि नाउन यूनिक है. जैसे कि प्रेज द लॉर्ड द ताजमहल is a world heritage site. तो यहाँ पे जो second वाला sentence है the ताजमहल is a world heritage site. इसका मतलब क्या है कि ताजमहल ही एक ताजमहल है वो world heritage site है. okay वो एक particular ताजमहल के बारे में ही बोला है जो कि आगरा में है. और 10 ताजमहल तो नहीं है इंडिया में, एक ही ताजमहल है. अगर मैं ताजमहल के बारे में बोलूं तो सबके माइंड में ताजमहल ही आएगा जो आगरा में है. ओके सो ये एक पर्टिकुलर एक इंडिकेट कर दिया है, एक नाउन को इंडिकेट किया है जो कि नाउन यूनिक है. उसके सामने क्या लगेगा, द. ठीक है, कोई प्लेस हो गया, कोई स्टेट हो गया, कोई कंट्री. ओके सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. द इज यूज for very specific nouns, not just any pencil, but the yellow pencil. अभी मैंने तुम लोगों को एक example दिया था ना कि chairs के बारे में, वैसे ही यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि the is used on a specific noun. ठीक है, वो हम कोई भी pencil के बारे में नहीं बात कर रहे, मैं एक yellow pencil के बारे में ही बात कर रही हूँ. Okay? And अब the blue dog. एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात करें जो कि ब्लू रंग का है, तो वो पर्टिकुलर हो गया द ब्लैक कैट. मैं सारे कैट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो एक काली बिल्ली के ब्लैक कैट के बारे में ही बात कर रही हूँ. तो वो क्या हुआ, द ब्लैक कैट. द चेयर विच इज नेक्स्ट टू द काउच, वो चेयर के बारे में बात कर रही हूँ जो काउच के बिल्कुल साइड में है, तो वो हुआ द चेयर. ओके कोई से भी इधर उधर चेयर जो रखी हुई है उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ. जो एक चेयर काउच के बिल्कुल साइड में रखी हुई है उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए लगा द. ओके कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स द पर्पल स्कार्फ और प्लूरल द डॉग्स. तो द कहाँ कहाँ यूज होता है, द और दो जगह पे यूज होता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट या फिर प्लूरल ऑब्जेक्ट के पास. जैसे कि द पर्पल स्कार्फ, मेरे पास एक स्कार्फ है वो पर्पल कलर का है, तो वो क्या हुआ, द पर्पल स्कार्फ. और या फिर प्लूरल्स के पास भी लगता है, जैसे कि हुआ द डॉग्स. अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स हमें कहाँ कहाँ यूज नहीं करना चाहिए या फिर कहाँ कहाँ आर्टिकल्स यूज नहीं होते. वी डोंट यूज इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ नॉन काउंटेबल नाउन्स. दीज इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स such as happiness, harmony, sadness, irony, justice, etc. The definite article can be used if indicating the instance
in which it occurred. The sadness she felt at his passing. So यहाँ पे first point में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग indefinite articles कहाँ पे use नहीं करते हैं, non-countable nouns के बारे में के जगह पे हम लोग indefinite articles नहीं use करते हैं. अब तुम लोग पूछोगे मैम non-countable nouns क्या है. Non-countable nouns दो type के nouns हमने पढ़े थे, एक थे countable nouns and एक थे non-countable nouns. Okay, so non-countable nouns क्या है, जो nouns को हम count नहीं कर सकते, and countable nouns क्या है, जो nouns को हम count कर सकते हैं. जैसे कि pencil को मैं count कर सकती हूँ, तो वो हुआ countable noun. लेकिन किसी की happiness हम लोग count कर सकते हैं क्या? No, we can't count happiness. So, ये क्या हुआ, नॉन काउंटेबल नाउंस. तो ये याद रखना कि नॉन काउंटेबल नाउंस के पहले कभी भी हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं. इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए एंड एम. वेरी गुड. सो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन नॉन काउंटेबल नाउंस. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि लेकिन हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल्स जरूर यूज करते हैं कभी कभी हम लोग अपने नॉन काउंटेबल नाउंस में. अब डेफिनेट आर्टिकल क्या है, अभी हम लोग पढ़े डेफिनेट आर्टिकल इज द. ओके, सो द हम लोग कहां पे यूज करते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन. जैसे कि द सैडनेस शी फेल्ट एट हिज पासिंग, कि जब वो मर गया तो वो जो सैडनेस वो फील की तो वो द हुआ, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बोल रहे. ओके, सो अब कहां कहां और कहां कहां हम लोग आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, नेम्स प्रोनाउंस एंड प्रॉपर नाउंस. नेम्स के सामने हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउंस के सामने भी हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, एंड प्रोनाउंस के बारे में के सामने भी हम लोग कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं. ओके, सो तुम लोगों को अगर प्रॉपर नाउंस एंड प्रोनाउंस के बारे में अगर नहीं पता है तो मेरे को बताना, कमेंट करना. प्रोनाउंस के बारे में, प्रोनाउंस की एक वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है, जिससे तुम्हें प्रोनाउंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, सो पहले हम लोग इनडेफिनाइट, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हम लोग नॉन काउंटेबल नाउंस के सामने नहीं लगाते, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगता है. ओके, और एक कहां पे हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, नेम प्रोनाउन एंड प्रॉपर नाउन के सामने हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है. वी डोंट यूज इनडेफिनेट आर्टिकल्स विद नाउन्स दैट आर डिस्क्राइब्ड इन क्वांटिटीज सच एज लिक्विड और लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल सॉलिड्स सच एज बीन सैंड डर्ट एक्सेट्रा. वी कैन हाउएवर यूज द डेफिनेट आर्टिकल द ब्राउन डर्ट द कोल्ड वाटर. सो अब क्या है, यहाँ पे ये लिखा है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम वो नाउंस जो क्वांटिटी के क्वांटिटी को हमें डिफाइन करती है या फिर लिक्विड या फिर लिक्विड्स को हमें बोलती है या फिर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल सॉलिड्स के बारे में बोलती है. जैसे कि लिक्विड्स क्या हो गया, वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स. ओके, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल सॉलिड्स क्या है, सैंड, शुगर, ठीक है. तो इन सब के आगे हम लोग इनडेफिनाइट आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं, लेकिन हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल्स जरूर यूज करते हैं. जैसे कि हुआ द ब्राउन डर्ट या फिर द ब्राउन सैंड. ओके, द कोल्ड वाटर. ओके, तो इन सब के सामने हम लोग क्या करते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल यूज करते हैं. व्हेन बीइंग जनरल आई लाइक वाटर, कैट्स आर स्मॉल. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. ये हम मैं जनरली बोल रही हूँ, नॉर्मली बोल रही हूँ कि आई लाइक वाटर, मेरे को पानी पसंद है. ठीक है, या फिर कैट्स आर स्मॉल, जो कैट्स हैं वो छोटे हैं. वो मैं जनरली, एक की जनरल सेंटेंस है, तो इसमें कभी भी क्या आर्टिकल यूज नहीं होता है. ओके, सो हम कहाँ कहाँ पहले पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ हमारे आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं, एक और बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं. हम वहां वहां आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कभी भी यूज नहीं होते हैं, किसके सामने, नॉन काउंटेबल नाउंस के सामने. लेकिन उनके सामने डेफिनेट आर्टिकल्स जरूर
हम लोग यूज करते हैं. देन उसके बाद आर्टिकल्स कहाँ पे यूज नहीं होते हैं, नेम्स प्रोनाउंस एंड प्रॉपर नाउंस के सामने आर्टिकल्स हम लोग यूज नहीं करते हैं. फिर उसके बाद हम लोग कहाँ यूज नहीं करते हैं कि वी डोंट यूज, कि हम लोग कहाँ यूज नहीं करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, हम लोग कहाँ यूज नहीं करते हैं क्वांटिटीज जो कि लिक्विड की या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल सॉलिड्स की बताता है. ओके, हम लोग वहां पे यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं. ओके, सो अब और एक कहाँ पे यूज नहीं करते हैं, जब मैं कोई चीज जनरली बोल रही हूँ कि आई लाइक वाटर या फिर कैट्स आर स्मॉल, तो हम लोग उसके बारे में नहीं बोलते हैं. वहां पे हम लोग आर्टिकल्स हम लोग नहीं यूज करते हैं. ओके, सो सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या क्या है आर्टिकल्स के. सम नॉन काउंटेबल नाउन्स कैन टेक द इनडेफिनाइट आर्टिकल. जो नॉन काउंटेबल नाउन्स है, कोई कोई नॉन काउंटेबल नाउन्स में हम लोग इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज कर लेते हैं. अब तुम लोग बोलोगे मैम आपने पहले बोला कि हम लोग इनडेफिनाइट आर्टिकल नॉन काउंटेबल नाउन में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, अब आप बोल रहे हैं कि हम लोग यूज कर सकते हैं, वी आर कंफ्यूज. लेकिन ये सब एक्सेप्शंस हैं, इन सब में हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, वी केम टू एन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, एन यूज हुआ. एन क्या है, एक इनडेफिनाइट आर्टिकल. वी केम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग एक चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वी केम टू एन अंडरस्टैंडिंग. तो ये हुआ एक नॉन काउंटेबल नाउन के सामने हमने क्या यूज किया, इनडेफिनाइट आर्टिकल. If the name of a location, अब next क्या है देखो, if the name of a location is descriptive and contains a countable noun, use the definite article. Okay, so कोई location के पास, जैसे कि name of a location के सामने जो कि describe करता हो और countable noun हो, ठीक है, और countable noun हो, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, डेफिनाइट आर्टिकल यूज करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन क्लियर लेक, द राइटिंग सेंटर. ओके, सो ये लोकेशंस हमें किसी चीज के बारे में बोलते हैं, ठीक है, काउंटेबल और countable noun भी हैं, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डेफिनाइट आर्टिकल जो कि है द. ओके, नेक्स्ट है हमारा कि इफ अ नेम इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज थॉट, इट इज अ काउंटेबल नाउन, इट कैन टेक द डेफिनाइट आर्टिकल. ओके, अगर एक नेम डिस्क्राइब हो रही है एंड वो countable noun है, तो उसमें हम लोग definite article use कर सकते हैं, जैसे कि मैंने last, अभी just last point में, इस वाले point में जो मैंने बोला था, वो उसी का और description है ये, कि the clear lake that I know has lots of good restaurants. तो clear lake क्या बोला है यहाँ पे, the place के बजाय मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, the clear lake. तो यहाँ पे क्या है, the clear lake जो कि जिसे मैं जानता हूँ, वहां पे वो एरिया में, वो प्लेस में क्या गुड रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं. एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यू आर नॉट बिहेविंग लाइक द ब्रैडन दैट आई नो. ठीक है, तो तुम ब्रैडन के जगह हम लोग राहुल भी लिख सकते हैं, तुम लोगों का अगर समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो राहुल भी हम लोग लिख सकते हैं. यू आर नॉट बिहेविंग लाइक द राहुल दैट आई नो. सो तुम वैसे नहीं बिहेव करो जैसे मैं तुम्हें जानता हूं पहले से. ओके, सो ये सारे एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम आर्टिकल यूज करते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, आर्टिकल द. क्यों, अब तुम बोलोगे मैम राहुल तो नेम है, अभी आपने पीछे बोला कि नेम में बिल्कुल यूज नहीं होता है कोई भी आर्टिकल, एंड आपने द यूज कर दिया. लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर कोई चीज डिस्क्राइब हो रही है, अगर नेम डिस्क्राइब हो रहा है और वो काउंटेबल नाउन है, तो उसके सामने क्या लगेगा, द लगेगा. ओके,
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या डाउट है, एंड नेक्स्ट मैं कौन से ग्रामर के टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊं। ठीक है, सो प्रोबेबली मैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो लेके आऊंगी नेक्स्ट संडे। ओके, सो डेली संडे हमारा एक ग्रामर का टॉपिक होगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।